तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरह से AI फोटो बनाना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो में आए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इस तरह का बनाने के लिए आपको कोई कभी दिक्कत ना हो और आगे जाके कभी आपको कभी किसी को पैसे देने की जरूरत ना पड़े। वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि इस तरह का AI फोटो एडिटिंग कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँ, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो इस तरह का देखने को मिल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर लेना है, उसको स्किप करते जाना है। तो दोस्तों लास्ट वाला करने के बाद यहाँ पे यहाँ कट कर देना है, उसके बाद ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद अलाउ करना है, उसके बाद अपना कोई फ़ोटो चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद अपने आप ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने इस फ़ोटो को चूज़ किया है, तो यहाँ पर नीचे से काफ़ी सारा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हम लोगों को आ जाना है ये टॉय 3D में, इसमें क्लिक कर लेना है, उसका थोड़ी देर वेट कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों इसमें नेट कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, नहीं तो काफ़ी लेट कर देता है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसे करते हैं सेव। सेव करने के लिए ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों सेव हो चुका है। अगर इसे दोबारा से अगर ओपन करना है, मतलब दोबारा और दूसरे फोटो को करना है, तो इसका भी आइडिया है, क्योंकि इसमें दूसरी बार इसे इस ऐप को एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकता है, यहाँ पे प्रीमियम का मानता है। तो इसे यूज़ करने के लिए हम लोग आ जाएंगे, इसका डाटा को पूरा क्लियर कर देंगे इस तरह से। डाटा क्लियर करने के बाद फिर से ओपन करके देखेंगे। जैसे जैसे उस टाइम हुआ था वैसे वैसे स्किप करते जाएंगे। उसका फिर से प्लस वाले आइकन पे अलाउ कर देना है और दोबारा से चूज कर लिया है, इंपोर्टिंग हो रहा है। उसके बाद ये फ़ोटो है, ये काफ़ी पहले का फ़ोटो इसलिए ऐसे दिख रहा है। तो अभी जाते हैं टॉय 3D में दोबारा से, प्रोसेसिंग ले रहे हैं, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे बना के देता है। तो देख सकते हैं इस तरह से बना के मिला है। और अगर इस आपको इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो तो यह इधर राइट साइड में देख सकते हैं, सेकंड वाला में सेकेंड वाला में क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा, उसके बाद उसी में क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं इधर बैकग्राउंड में, लेकिन मैं बैकग्राउंड नहीं रखूँगा, जो था सिंपल रखेंगे। उसके बाद इसे कर देंगे सेव। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। पेड एडिटिंग होता है यहाँ पे, इतना ही करने का बस। आप लोगों को प्रीमियम में प्रोवाइड करा दिया हूँ यहाँ पे, ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक से अनलिमिटेड फोटो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।